क्या भी सब्सक्राइब कीजिए एम्ब्रोज रिएक्शंस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके हमारी वीडियोस सबसे पहले। हाय गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस। दिस इज रेहान एंड दिस इज साहिल। सो वी आर बैक अगेन विद अदर रिक्वेस्टेड वीडियो। वीडियो का टाइटल जो है वो होने वाला है चीटिंग जैद अली। जैद अली का वीडियो है भाई। सो जैद अली का वीडियो है और काफ़ी टाइम हो गया हमें जैद अली के किसी फनी वीडियो पे रिएक्शन नहीं किया। लास्ट टाइम हमने ब्राउन वर्सेस वाइट वेडिंग पर रिएक्शन किया था, जो काफ़ी पसंद किया था लोगों ने और बोला था और फनी वीडियोस पर रिएक्शन करो इनके। अगर आपने नहीं देखा तो वो सर्च कर लेना सिंपली वाइट पीपल वर्सेस ब्राउन वेडिंग, वाइट वेडिंग वर्सेस ब्राउन वेडिंग एम्ब्रोज रिएक्शन, बस सिंपल सा आ जाएगा। चलो ये वाला देखते हैं हम आगे डिस्क्रिप्शन में। फिर भी तुझे क्या लगता है कि ये क्या होगा? कोई छोटा मोटा कुत्ता होगा। हाउसफुल वॉशरूम किसका फोन है? कॉपीराइट ना दे रही है। स्टेसी कौन है? स्टेसी? हाँ स्टेसी, और वो आपको इतना मिस क्यों कर रही थी आज? स्टेसी बेबी, वो तो स्टेसी है। कौन स्टेसी? कौन स्टेसी? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। बको सेक्रेटरी है बेबी, उसने अभी 10 दिन पहले ही तो ज्वाइन किया है। अच्छा, तो अब आपका सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है। बेबी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आज मैं जॉब पे नहीं गया तो मेरी सेक्रेटरी मुझे आज मिस कर रही थी। अब मिस नहीं करेगी तो क्या किस करेगी? बकवास बंद करो, स्टेसी को अभी इसी वक्त इधर बुलाओ। इधर? हाँ इसी वक्त, अभी। अभी बेबी वो बिजी औरत है, मैं उसको कैसे बुला सकता हूँ? मुझे नहीं परवाह, या तो स्टेसी आज इधर अभी आएगी या मैं आज यहाँ से जाऊंगी। तो जाओ। जानी गया भाड़ में, मेरी बीवी को स्टेसी के बारे में पता चल गया है। स्टेसी के बारे में? अरे अरे भाई तुम तो गए हो। मेरी इसमें क्या गलती है? उस कमीनी ने अभी टेक्स्ट मैसेज किया है, मिस्ड यू टुडे, कुछ और नहीं बोल सकती थी। अरे मिस्ड यू टुडे, अच्छा बड़े अय्याश पसंद बंदे हो, अय्याशियां करो बेटा और करो ना। अच्छा बेटा अपनी बारी भूल गया, मैं तेरी बीवी के सामने जाके पोल शोल तेरा सब कुछ खोल दूंगा। देख तू मेरी बेगम के सामने कुछ नहीं खोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। तो फिर तू किसी ना किसी तरीके से आज मेरे घर एक स्टेसी भिजवा दे, वरना आज हम दोनों विधवा हो जाएंगे। चलो करते हैं कुछ, दोनों विधवा हो जाएंगे। आया बेबी, अब उधर कुछ और हुआ है लगता है। स्टेस सेक्सी लेडी, व्हाट अ हॉटी हॉटी, पर तेरी ये कौन सी स्टेस है? अंदर तो चाहिए ऐसी स्टेस ही मिलेगी 15 मिनट में। खतरनाक, एक टांग शेव की दूसरी शेव ही नहीं की, टाइम ही नहीं मिला। और स्टेसी के पापा बाथरूम में फंस गए, बाथरूम लॉक हो गया और बाहर कुछ नहीं निकल पाया, उम्मीदें भी अंदर बंद हो चुकी थी। धमाका हुआ, वो धमाका था स्टेसी चौधरी। बॉस की बॉस की फाइल्स उठा उठा के माना कि मेरे पापा बाथरूम में स्टक थे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम भी यहाँ स्टक रहेंगे। इनवाइट तो करें। मामा मिया, मामा मिया,
ये बहुत खूबसूरत घर है आपका भाभी, हैशटैग नजर ना लग जाए। तुम पूरे दिन ऑफिस में करती क्या हो? मैं जो बॉस चाहे वो सब, मैं मतलब है कि टेक्स्टिंग, फैक्सिंग एंड ईमेल्स वगैरह, मतलब जो बॉस चाहे सब कर देती हूं। इस बोल के रुक गए। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये जॉब कैसे मिली? तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है? गुड थिंग आपने पूछ लिया। टैलेंट का डेमो दूं क्या? नहीं, हिट द ट्रैक डीजे। बचाना है कि फंसाना है? Stop it! Stripping. क्या था ये? What's going on, bro? आपने मुझसे मेरे talents पूछे, demo देना पड़ा। मेरा मतलब था आपके talents और skills according to your job. Talents बताओ ऐसी। पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हैं? खिड़कियाँ, खिड़कियों में जो वो बॉक्सेस होते हैं ना, बॉक्सेस पढ़ती हैं? नहीं, मतलब वो बॉक्सेस के अंदर बुक्स होती हैं, वो बुक्स पढ़ती हूँ। बुक्स पढ़ती रहती है सारा दिन। यस, यू नो शेक्सपियर? यस। हाँ, वो शेक साहब है ना, उनके भतीजे हैं शेक साहब के। स्टेसी, तुम्हें पता है कि मेरी बीवी को लगता है कि मैं तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहा हूँ। बताओ इसे। तुम्हारे साथ चीटिंग? बॉस बहुत लॉयल है। बहुत लॉयल हूँ, कुत्ते की तरह। पता है, जब मैं ऑफिस में आती हूँ, ये सीधा नीचे देखते हैं समीन को, फिर उसके बाद स्लोली ऊपर तक देखते हैं। क्या? ऊपर मतलब बहुत बड़ा ऊंचा विजन है। ऊंचा विजन है बेबी, मैं छत तक देखता हूँ। क्योंकि जब विजन मेरा ऊपर होगा तो फिर कंपनी स्काई रॉकेट करेगी ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा। ये मरवाना है भाई। खाना लगाओ, जाओ खाना लगाओ। हाँ भाई, कैसी लगी भाई की एक्टिंग? भाड़ में जाए तेरी एक्टिंग, मेरे ऊपर तू मुजरा डांस करने लग गया सारे का, अभी पकड़े जाते। भाभी ने पूछ लिया कि क्या टैलेंट है और सामने फिर टैलेंट दिखाना पड़ता, और डीजे ने साकी साकी भी लगा दिया। ये डीजे किधर से आ गया? देख, तू अगर ऐसे मुझसे बात करेगा ना, मैं जा रहा हूँ फिर। मैं नहीं, तू कर ले भाई। नहीं भाई, नहीं मजाक, नॉर्मल एक्टिंग कर ले प्लीज। तेरी विक किधर गई? अबे ढूंढ, यमुना आ रही है। अबे किधर गई? देख, ऊपर पड़ी है, मुझे दे दे। चलती पहन वो आ रही है। भाभी हेडेक सो रही है। आपका वॉशरूम कहाँ है? ऊपर है। तो मुझे टॉयलेट में फ्रेश होना है, मैं भी आई। बाल बाल बच गए, ये कहाँ फंसा दिया जैद के बच्चे ने। भाभी को मुझे अंदर आने दो। क्यों भाभी? क्या देखना चाह रही है? देखने को नहीं है यहाँ भाभी। आपका फंसा। माना कि मैं बेखुदा बेशर्म जैसे कपड़े पहनती हूँ, लेकिन मैं भी किसी तार खानदान से ताल्लुक रखती हूँ भाभी। ताकत दिन 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 था। दिन था। अजीब औरत है। बस मैं निकल रहा हूँ। प्लान बी। हेलो। ओ तेरी अब कौन आया? अब कौन सी मनुष्यता आ गई है? प्लान बी। कौन? स्टेसी है? अबे गरीबों के रजनीकांत, तुझे किसने बुलाया? तेरी मदद करने आया। तो होम ब्रोज में आता है ना? नहीं चाहिए तेरी मदद। है ना? प्लान बी। बाकी वो उसकी तरफ जा रहा था, वो मेरा इधर करा उसको। हम यहाँ बॉस के घर आता, हमारे छोटे छोटे बच्चे उलाता, तुम्हारी ममता चाहता आता।
अगर तुम दोनों शादीशुदा हो फिर अपनी एनिवर्सरी की डेट बताओ। बेबी हम इनकी एनिवर्सरी डेट जान के क्या करेंगे, जाने दो इन्हें। बताओ एनिवर्सरी डेट। February 14, 1993. ding ding ding. Ta. मजी आ। रिएक्शन मेरा ज़्यादा लेंगे। हाँ। चल। Yes baby. कोई बात नहीं बेबी, कोई बात नहीं। शक तो वही करते हैं ना जो प्यार करते हैं। सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम पे चीट करूंगा। करो सब्सक्राइब जिसने नहीं किया। कहीं ना कहीं डालेंगे, बहुत शानदार वीडियो लगा है मुझे। पहली बार मैंने इनकी वीडियो को डबल मीनिंग डायलॉग भी सुनने को मिला। पहले नीचे देखते थे, फिर नीचे से ऊपर तक देखते थे। सही था। और वो फैक्सिंग टेक्सिंग सेक्स फिर वहाँ पे अटक गए। बट वीडियो में बहुत मजा आया यार, मतलब ऐसा लगा कि कुछ बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा देखने को मिला, अच्छा इंटरेस्टिंग देखने को मिला, कुछ नया देखने को मिला। खास करके ज्यादा लेकिन वीडियोस में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग सा देखने को मिला। राइट, बहुत बहुत बेहतरीन था। और वो हाँ। मेरे को लगा ही था कि ऐसा ना हो जाए कि असली वाली आ जाए इतनी देर में, इसलिए मैंने बोला था कहीं ऐसा तो नहीं कि असली वाली आ गई। और वही हुआ, असली वाली आ गई वहाँ पे। राइट। सो गाइस हमें बहुत मज़ा आया, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाहर कुत्तों की लड़ाई होगी उसे इग्नोर कर देना। वैसे हमारी आवाज़ आ रही तो बाहर होगी, आवाज़ नहीं आना चाहिए वैसे तो, बट फिर भी फटाफट बोल देते ताकि उनकी आवाज़ आपको ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।